क्या आप काले जादू और शराब में विश्वास करते हैं? वैसे तो बहुत ही अजीब सा सवाल है ये, लेकिन फुटबॉल में एक काफी दिलचस्प वाक्य है इससे रिलेटेड। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 1967 में अर्जेंटीना में, जहां पर रेसिंग क्लब ने कोपा लिबर्टाडोरेस जीत के इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी जीत लिया है सेल्टिक को फाइनल में हरा के। तो रेसिंग की जीत से उनका जो राइवल क्लब है इंडिपेंडिएंटे काफी नाखुश है, और उनके कुछ फैंस रेसिंग के स्टेडियम में घुस के 7 बिल्लियों की डेड बॉडीज को गाड़ देते हैं अलग अलग जगहों। जब रेसिंग के फैंस को ये पता चलता है तब तो वो सोचते हैं कि क्या ढकोसलाबाजी है, फालतू की चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट उसके बाद मानो कि एक तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ता है रेसिंग क्लब पे, जहां पे वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करते थे, ना केवल अर्जेंटीना में बट पूरे साउथ अमेरिका में। वहां वो एक लीग टाइटल भी जीतने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। 1980 में उन डेड कैट्स को खोजने की पहल शुरू होती है, और 7 में से 6 बिल्लियों की बॉडीज को रिकवर कर लिया जाता है, लेकिन 7वीं बिल्ली की बॉडी अभी भी नहीं मिलती। लेकिन तब भी कुछ फायदा नहीं होता उससे, और 1999 तक तो इतनी हालत खराब हो जाती है रेसिंग क्लब की कि बहुत बार वो रेलिगेशन के काफी नजदीक आ चुके होते हैं। और 2001 में उनके मैनेजर अपॉइंट होते हैं रोनाल्डो मोरेलिस, और वो ये कहते हैं कि मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन वो 7वीं बिल्ली की बॉडी में ढूंढ के निकालूंगा। कड़ी मशक्कत के बाद उस 7वीं बिल्ली की डेड बॉडी को ढूंढा जाता है, और क्या आप मानेंगे इस बात को, उसी साल 34 साल के बाद रेसिंग अपना पहला लीग टाइटल भी जीत जाती है। तो ये क्या कोइंसिडेंस था या ये कर्ज था, मानो या ना मानो।